ए भैया तेरे हमें जल्दी हो भैया बच्चा के रखो नहीं धीरे गेट को वाह भैया वाह रफ्तार देख लीजिए रफ्तार गजब इस राज्य में आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। अरे नहीं हटिए बैठेंगे अच्छा से हम लोग चाहिए हटिए कहीं और जाके बैठिए। तो भैया पटना के महावीर मंदिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और कभी अगर आप लोग भी पटना आए ना तो भैया यहां आकर संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन जरूर कीजिएगा नहीं तो अधूरा रहेगा आपका पटना की यात्रा। सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए महावीर बजरंगबली हनुमान जी का। पटना का ये हनुमान मंदिर भैया देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की एक नहीं बल्कि दो मूर्तियों की पूजा की जाती है। जहां पहली मूर्ति भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है वहीं भैया दूसरी मूर्ति भक्तों का दुख हरती है। चलिए चलते हैं पटना जैसे प्लेटफॉर्म पर। अकेले सफर नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ मेरा भाई शिवम भी है। इनका चैनल का नाम है भैया घूमो इंडिया विद शिवम है ना। इनके चैनल पर जाकर भैया जरूर विजिट कीजिएगा। आज की रेल यात्रा हम करेंगे पटना से सहरसा के बीच चलने वाली डेली ट्रेन ट्रेन नंबर 12568 राजरानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस के थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास में। बाकी एसी में यात्रा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे देखना है और आप सभी को भी दिखाना है कि अगर आप इसके एसी में टिकट लेते हैं तो क्या सच में आपका सफ़र जो है वो आरामदायक होने वाला है या फिर इसका भी भैया कंडीशन जो है वो जनरल क्लास वाला ही रहेगा क्योंकि बिहार की ट्रेन है पटना से सहरसा के बीच चलती है और सहरसा वाला रूट तो आप सभी को पता ही है। बाकी ये गाड़ी यहाँ से सुबह 12:30 पर चलेगी और सहरसा हम पहुँच जाएंगे आज शाम 4:30 यानी बस 4 घंटे की हमारी ये ट्रेन जर्नी रहने वाली है। बाकी भैया अब आइए अपने कोच के अंदर। ये वाला है हमारा कोच M1 18 नंबर और 24 नंबर सीट है। देखिए भैया थोड़ा जाने दीजिएगा अंकल जी 18 नंबर और 24 नंबर यानी एक साइड अपर है और एक मिडिल बर्थ है। वैसे पटना से सहरसा के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन यही है। बाकी की जो ट्रेन है ना जनहित एक्सप्रेस कोसी एक्सप्रेस हो गया उसे लगता है 6 घंटा और ये पहुंचाती है मात्र 4 घंटे में। अच्छा इसमें पानी आने वाला लुल्ली ही नहीं है देख लीजिए क्या देख रहे हैं पानी आने वाला लुल्ली ही नहीं है पानी कहाँ से आएगा। बाकी देख लीजिए कितना गंदा कर दिया ये लोग पान गुटका थुक थुक के। हाँ पानी तो आ ही रहा है लुल्ली नहीं है इसमें लुल्ली ही नहीं है पानी वाला लुल्ली ही नहीं है। ये तो हाथ धोने वाला है अंकल जी यहाँ पर लगा हुआ रहता है ही नहीं। चलिए भैया हमारी पटना सहरसा राजरानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल चुकी है पटना जंक्शन से। कहा हुआ हो भैया महाराज कह रहे पता नहीं लोग क्यों दौड़ रहे हैं। अच्छा आगे एक छोटा सा जनरल कोच है वहाँ जाने के लिए। 2013 में इस गाड़ी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा और उस जगह के पास ही दुनिया का दूसरा और देश का सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट भी उसी जगह हुई थी भैया 6 जून 1981 को जहाँ पूरी की पूरी ट्रेन जो है बागमती नदी में समा गई थी। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा बस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। बाकी यहाँ देख लीजिए थर्ड एसी इकोनॉमी का हाल पूरा लोग एकदम भरे पड़े हैं जितने भी लोकल लोग हैं ना चढ़ते ही हैं और गेट को भैया जाम कर देते हैं। आपका कौन सी सर आपका नीचे दोनों है दोनों आदमी का भैया 20 के इधर बनाई हो इसका नाम कौन सी चना मसाला चना जोर गरम जोर गरम ये जोर गरम क्या होता है भाई इसका मीनिंग बताइए भाई चना जोर गरम बनाओ 20 के चना जोर गरम। तो भैया ये है 20 का चना जोर गरम 20 रुपये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी रफ्तार में हमारी गाड़ी जो है वो फतवा स्टेशन को स्किप कर रही है। गाड़ी एकदम अपने फुल स्पीड भैया 130 की रफ्तार से दौड़ रही है। मोकामा नहीं नहीं बोलो नहीं दिया है। अगर आप लोग झालमुरी खाने के फ़ैन हैं ना तो इस गाड़ी में आपको झालमुरी मिल जाएगी बार बार मिलेगी जितने स्टॉपेज नहीं गाड़ी के उतने बार आपको झालमुरी मिल जाएगी 20 रुपये में। नहीं भैया झालमुरी 20 का ये भैया आ गया हमारा 20 का झालमुरी। हाँ हाँ सर 18 नंबर और 24 नंबर गणेश शिवम होगा। हाँ वैसे तो भैया झालमुरी बंगाल का फेमस है लेकिन अपने बिहार वाले भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं कभी भी
इस रूट में ट्रैवल कीजिएगा तो ये 20 का झालमुरी जरूर ट्राई कीजिएगा। एक नंबर ये झालमुरी दीदी एक ही जगह फेमस है, वो बंगाल का है। नहीं नहीं, जैसे झालमुरी बनाता अच्छा है मगर वही है, हां कम देता है, चना और बादाम के नाम से देता है और वो भी 20 रुपीस का ही देगा। तो भैया अपनी राजरानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी पहली स्टॉप जो कि है बख्तियारपुर जंक्शन। आपको पता ही है यहां से हमारी ट्रेन चली जाएगी मोकामा की ओर, पटना की ओर से हम आ ही रहे हैं। इसके अलावा यहां से एक लाइन जाती है बिहार शरीफ नालंदा के रास्ते, राजगीर के रास्ते गया की ओर। बाकी बख्तियारपुर जंक्शन स्टेशन जो है वो काफ़ी विवादों में रहता है अपने नाम को लेकर, क्योंकि इसका नाम जो है वो कुछ कहते हैं कि इसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी जलवा दिया था, और भैया कोई कहता है कि इसका नाम सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। तो विवाद है स्टेशन का, देखिए कब तक क्या निर्णय होता है, नाम बदलता है या नहीं। आप लोग कमेंट बताइए इस स्टेशन का नाम चेंज होना चाहिए या नहीं। ट्रेन निकल चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन से। रे भाई रे, गेट खोल, गेट क्या लगाया, गेट क्या लगाया तुम, पागल हो रहे तुम। बाकी हाँ, बख्तियारपुर जो है वो अपने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी की जन्मभूमि भी है, जो कि 3 बार रेल मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के 2 स्टेशन ऐसे हैं ना जिसकी नाम बदलने की मांग की जा रही है, एक तो ये बख्तियारपुर हो गया और दूसरा है भैया वो सुल्तानगंज भागलपुर जिले वाला। देखिए क्या होता है, राजनीति से जुड़ी चीज़ें हैं, इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जो बोलना है आप लोग ही बोलिए कमेंट के माध्यम से। फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो अथमल गोला स्टेशन भैया स्किप कर रही है, और ट्रेन जो है वो 130 की रफ्तार से चल रही है। रफ्तार देख लीजिए भैया, रफ्तार 130 हो जा भाई, 129.4 रफ्तार देख लीजिए, रफ्तार गजब की रफ्तार दौड़ रही है अपनी ये राज्य की रानी। तो भैया इसमें जनरल कोच हैं, एसी चेयर कार हैं और ये 3rd AC इकोनॉमी है। जनरल का आपका पड़ेगा 100 रुपये के आसपास और 420 रुपये पड़ेगा आपका चेयर कार का, और अगर आप इस जाते हैं 3rd AC इकोनॉमी में तो आपको देने होंगे 555 रुपये। बाकी बहुत सारे जो डेली पैसेंजर हैं ना वो इस इकोनॉमी क्लास में भी ट्रैवल करते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत आपको होगा ही, और गेट के पास तो भैया पूरा एकदम जाम ही रहता है। फिलहाल हम बाढ़ स्टेशन स्किप कर चुके हैं, और अगर बात की जाए बिहार के मिठाइयों की ना, तो भैया बाढ़ का लाई का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। कभी भी अगर बाढ़ आइएगा ना तो यहाँ का खोवे और मावे से बना हुआ लाई जरूर ट्राई कीजिएगा, एक नंबर स्वाद रहता है इसका। अगर आप पटना से मोकामा की ओर आते हैं तो बाढ़ रास्ते में ही पड़ता है। और हाँ, हाँड़ी चाय भी इस और का फेमस है, हाँड़ी चाय और लिट्टी चोखा तो वैसे बिहार का ही फेमस है। बाकी भैया इस ट्रेन में आपको कुल्हड़ वाली चाय भी मिल जाएगी। भैया हो आइए ना, हो कौन सा चीज, वाह भैया देख लीजिए महाराज, ट्रेन में कुल्हड़ वाली चाय का आनंद आप ले सकते हैं। देख रहे हैं क्या ही गजब लग रहा है देखने में। मेरी तरफ से ओ महाराज, आप तो ऐसे कर रहे लगता है क्या, नशीली पदार्थ मिला दिए इसमें। चलिए भैया कुल्हड़ वाली चाय टेस्ट करते हैं। वाह क्या ही गजब टेस्ट है, मात्र 15 रुपये में आप ट्रेनों में कुल्हड़ वाली चाय का आनंद ले सकते हैं। कैसा है शिवम? एकदम भैया एक नंबर टेस्ट है, 15 रुपये लाइक एकदम है, है ना? हाँ गजब का टेस्ट है। जो लोग चाय प्रेमी है भैया उनको तो ये कुल्हड़ में चाय पीना कितना अच्छा लगता है आप सभी को पता ही है। देखिए भैया बिहार की ट्रेनों में अगर सफ़र आप करते हैं ना तो यहाँ आपको इस राज्य में आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, कुल्हड़ चाय मिल जाएगा, झालमुड़ी मिल जाएगा। अभी खगड़िया आने वाला है, उस रूट में आपको पेड़ा मिलेगा, दूध का बना हुआ पेड़ा भैया, मतलब बहुत कुछ है इस रूट में खाने पीने के लिए। हालांकि इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, साइड पेंट्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोकल वेंडर जो हैं ट्रेनों में यार कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। बाप रे भाई साहब, मोकामा में भीड़ कितना है देख लीजिए, कितना भीड़ है यहाँ। तो भैया पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर लिए हैं और पहुंच चुके हैं मोकामा, बाबा परशुराम जी की नगरी मोकामा। और आपको बता दूं अभी तक हम बिहार के पटना ज़िले में ही हैं, आगे हाथीदह तक पटना ज़िले में ही रहेंगे, उसके बाद सिमरिया ब्रिज पार करेंगे गंगा नदी को और चले जाएंगे भैया बिहार के बेगूसराय ज़िले में। मोकामा से हमारी ट्रेन जो है
चले जाएगी बेगूसराय की ओर, और आगे एक लाइन जाती है यहाँ से किउल के रास्ते, हावड़ा दिल्ली वाली लाइन जो है। बाकी यहाँ देखिए कितने लोग यहाँ से वोट कर रहे हैं, मोकामा से जितने भी लोग हैं ना, बेगूसराय वाले, खगड़िया वाले, मानसी, एस बख्तियारपुर, सहरसा वाले भैया, बहुत सारे पैसेंजर जो है वो यहाँ से वोट कर रहे हैं। अच्छा, पटना से मोकामा तक हम जितनी तेज़ी में यहाँ आए हैं ना, हमारी ट्रेन उतनी तेज़ अब नहीं चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 110 तक जाएगी। बाकी भैया बस कुछ ही देर में आप लोगों को एक अद्भुत नज़ारा दिखाने वाला हूँ महाराज। ऊपर ऊपर हमारी राजरानी एक्सप्रेस जा रही है, और नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा हावड़ा दिल्ली मेल लाइन, ये देख लीजिए आ गया। वाह वाह भैया वाह। बाकी हमारी गाड़ी है बस कुछ ही देर में गंगा नदी को पार करने वाली है, यानी राजेंद्र पुल को, सिमरिया ब्रिज जिसे बोला जाता है। यहाँ देख लीजिए सिमरिया घाट, ये भी अपने नए अवतार में आ चुका है, पानी का स्तर बढ़ा हुआ है काफी। बाय बाय गंगा मैया। गंगा नदी पार करने के बाद स्वागत है आप सभी का बिहार के बेगूसराय जिले में। अब हम आ चुके हैं बिहार के बेगूसराय जिले में, और हमारा अब अगला स्टॉप है न्यू बरौनी जंक्शन। गुजर रही है महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मभूमि से, यानी दिनकर ग्राम सिमरिया से। देखिए हमारी गाड़ी कितना खूबसूरत कर्व ले रही है। भैया ये हम पहुंच चुके हैं बिहार के बेगूसराय जिले का बरौनी का न्यू बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये बरौनी का बाईपास रेलवे स्टेशन है, जो ट्रेनें पटना की ओर जाती है ना, वो मेन बरौनी ना जाकर यहीं रुकते हुए पटना की ओर निकल जाती है। बाकी दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप भी है, और पहले इस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज नहीं था, बाद में भैया भारी डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी का यहाँ स्टॉप दिया गया है। वैसे यहाँ से भी इस गाड़ी के जनरल कोच में बहुत सारे पैसेंजर चढ़े हैं। अच्छा, अगर आप इसके जनरल कोच में यात्रा करते हैं ना, तो भैया बहुत भीड़ रहती है। चलिए भैया सिग्नल हो चुका है, निकल चुकी है बरौनी जंक्शन से, न्यू बरौनी जंक्शन से भैया। ए दीदी भैया यहाँ सीट है। आप कहाँ जाइए? बेगूसराय। यहाँ भी बैठा हुआ है मेरा दोस्त। अरे नहीं हटिए, ये हटिए कहीं और जाके बैठिए। आज जो देखी ना सीट, ये कोई मतलब हुआ? मतलब ये बहुत सारे लोकल पैसेंजर जो है ना, वो आते हैं इस डब्बे में और आकर आपके सीट पर बैठ जाएंगे, अगर सीट खाली रहा तो। अगर हटने बोलिएगा तो भैया थोड़ा सा साइड हो जाएगा, मतलब आप एडजस्ट कीजिए, पैसा देकर आप एडजस्ट कीजिए, वो आराम से बैठ कर जाएगा। तो भैया पहुंच गए बिहार की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध शहर बेगूसराय, और यहाँ भीड़ देख लीजिए, इतनी भीड़ तो भैया अभी तक कहीं नहीं मिली है बेगूसराय को छोड़कर। देख लीजिए भैया प्लेटफॉर्म पर कितनी भीड़ है, ज़्यादातर भीड़ है यहाँ से खगड़िया जाने वाले पैसेंजरों की। बहुत सारे लोकल पैसेंजर जो हैं भैया, वो अब AC कोच में चढ़ेंगे, और जो टिकट लेकर सफ़र कर रहे हैं ना, उसकी दुविधा बढ़ाएंगे। हो महाराज, की है भाऊ जी, की समाचार भाऊ जी? यार नहीं, आराम से भाई। आराम से दीदी, आराम से। तो भैया ट्रेन हमारी बेगूसराय से निकल चुकी है, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, पहले बेगूसराय का डिपार्चर देख लीजिए। बहुत सारे लोकल पैसेंजर जो है ना, WT ही इसमें घुस गए हैं, दिखाते हैं आपको। हो भैया, हो चाची,
पैरवा मोड़ लीजिए, प्लेटफॉर्म आने वाला है भाभी, ट्रेन बता लीजिए, प्लेटफॉर्म आने वाला है ना। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और हमारी राजरानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है फरकिया यानी खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जितनी भी भीड़ भैया बेगूसराय में चढ़ी थी ना, ज़्यादातर भीड़ यहीं खाली हुई है खगड़िया में, देख लीजिए। बाकी खगड़िया जंक्शन पॉइंट इसीलिए है क्योंकि हमारी ट्रेन तो जाएगी मानसी के रास्ते सहरसा की ओर और पटना की ओर से आ रहे हैं हम। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन जाती है भैया उमेश नगर से अलग होती है मुंगेर की ओर, यहाँ से एक लाइन अलग होती है समस्तीपुर की ओर वाया हसनपुर, और एक लाइन फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में है जो कि जाएगी कुशेश्वर धाम के रास्ते सकरी की ओर। प्रस्थान करने का भैया टाइम हो चुका है और यहाँ देख लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं वो एसी में ही चल रहे हैं और एक भाई ने तो वहाँ साइकिल भी टांग दिया है, देख रहे हैं, देख लीजिए भैया। चलिए गाड़ी हमारी निकल चुकी है खगड़िया जंक्शन से। दीदी तनिया बाहर आगो, चलो हे चाची हे दीदी जाल दियो तनी आगे, देख लीजिए थर्ड एसी इकोनॉमी का हाल। चाची दीदी मौसी हर कोई, आप तो नहीं आप बताओ कहाँ उतर वो मामा के कहाँ उतर भी बदला बदला रुकते गाड़ी मानसी और बाद इस बख्तियारपुर और बाद सहरसा मानसी उतर जियो चाची मानसी के बाद सीधा रुकता सिमरी बख्तियारपुर ने बदला ने हमारा घाट है भैया तेरे हमारा चाल दियो हो भैया हम हरा तेरे चाल दियो हमरा हम हो जावे की करवा यह हाल रही है गाड़ी के तने को बच्चा के रखो नहीं धीरे गेट के पास खिलाफ करे छो बच्चा के गेट के पास खिलाफ करे छो नहीं भाई साहब कौन सा भाई थोड़ा हटो बैठेंगे कहाँ जाना है मानसी तक हमको कहाँ जाना है भाई तुमको कहाँ जाना है हम इसे पूछे कहाँ जाना है हम 10 बार उतरे 10 बार जाए आपको इसे क्या मतलब है भैया देखा आपने ये हाल है थर्ड एसी इकोनॉमी का बेगूसराय के बाद इस गाड़ी का मतलब बहुत ही गंदा वाला कंडीशन हो चुका है। बाकी ट्रेन तो हमारी राइट टाइम चल रही है एकदम 4:30 बजे शाम सहरसा पहुंच जाएंगे। एक पीस कितना करके दे भाई एक पीस तो भाई लीजिए खगड़िया का फेमस पेरा भी आ गया है इसी का इंतजार तब से कर रहे थे आइए ना नए कुछ मिला है महाराज आपके सामने ना खरीदे कैसा लगा एक पीस चखने के लिए ले सकते हैं 10 रुपये पीस ये भी काफ़ी अच्छा है। तो भैया मानसी जंक्शन पहुंच चुके हैं हम और यहां से हमारी ट्रेन चली जाएगी सिमरी बख्तियारपुर के रास्ते सहरसा की ओर और एक लाइन जाती है सीधे कटिहार की ओर। जी हमारी ट्रेन का सिग्नल भैया हो चुका है कि भैया अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां 6 जून 1981 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था और इस गाड़ी के साथ भी अगस्त 2013 में हादसा हुआ था, ट्रेन को पूरा जला दिया गया था।
थी जहां 6 जून 1981 में मानसी से सहरसा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन बागमती नदी में समा गई थी। उस समय ये जो रूट है वो छोटी लाइन यानी मीटर गज की हुआ करती थी। तो भैया यही वो स्टेशन है जहां 19 अगस्त 2013 में इस राजरानी एक्सप्रेस से लगभग 40 लोगों की कटकर मृत्यु हो गई थी। देखिए सोमवार का दिन था और सोमवार को भैया धमारा घाट स्टेशन के पास जो आपने मंदिर देखा ना, माँ कात्यायनी मंदिर, उस मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को ही खासकर ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। उस दिन भी वही हुआ, सुबह सुबह का टाइम था, बहुत सारे श्रद्धालु आए थे पैसेंजर ट्रेन से और स्टेशन से मंदिर तक कोई पक्की सड़क नहीं होने के कारण जो लोग हैं वो पटरी से ही स्टेशन से मंदिर जाते हैं। तो उस दिन भी यही हुआ, इस तरफ एक ट्रेन लगी हुई थी, लोग एकदम जा रहे हैं और अचानक सहरसा से पटना जाने वाली राजरानी एक्सप्रेस आई और कई लोगों को भैया काटते हुए आगे निकल गई। वहाँ के लोगों में इतना भैया गुस्सा था ना कि ड्राइवर को तो मारा ही, जान से ड्राइवर को मार दिया गया, उसके बाद भैया इस ट्रेन को भी आग लगा दिया गया। अपने निर्धारित समय से बस 5 मिनट की देरी से हमारी राजरानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। गाड़ी तो काफ़ी अच्छी है, इसका चाल काफ़ी अच्छा है, मगर बेगूसराय के बाद जो है ना इस गाड़ी का भैया हालत जो है बहुत ख़राब हो जाता है, जंजन का तो हो ही जाता है, एसी कोच को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। बाकी ट्रेन काफ़ी अच्छी है, नो डाउट काफ़ी दमदार ट्रेन है सहरसा से पटना या पटना से सहरसा आने जाने के लिए। चलिए दीजिए इजाज़त, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए सहरसा जंक्शन से आप सभी को महाराज जय हिंद।